नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक पे जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्यों करते हैं लोग और इसके क्या फायदे और नुकसान है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली वो चीज होती है जो हम हमारे ईटिंग और नॉन ईटिंग जोन को बताते हैं। जैसे कि आपने रात को 10 बजे खाना खाया और सुबह 10 बजे नाश्ता किया, ये जो इन बिटवीन का टाइम है जहां हमने फास्ट किया है, इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए सेफ है, क्या उन्हें ये करना चाहिए, इसका आंसर आपके ओवरऑल हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे, आपकी फास्टिंग शुगर लेवल पे, आपकी उम्र पे डिपेंड करता है। अब जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे क्या है। फर्स्ट फायदा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार। जिस दिन से आप अपने बॉडी को एक ब्रेक देंगे, एक खाने में गैप देंगे, कॉन्स्टेंटली ठूसेंगे नहीं, आपके बॉडी को जो ग्लूकोज है बॉडी में उसे बर्न करने और डाइजेस्ट करने का इनफ टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होगी। दूसरा फायदा, वेट लॉस। डेफिनेटली अगर हम कम टाइम के लिए खाना खाएंगे और ज्यादा टाइम भूखे रहेंगे, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो एनर्जी के लिए यूज होगा और उसकी वजह से हमारा वेट लॉस डेफिनेटली होगा। तीसरा फायदा, लोअर ब्लड शुगर लेवल। जिस दिन आप 12 घंटे फास्ट करके अपना फास्टिंग शुगर चेक करेंगे, आप डेफिनेटली पाएंगे कि आपके शुगर लेवल कम हो चुके हैं, क्योंकि रात को एक बार खाने के बाद अगर हमने ब्रेक दी तो हमारे बॉडी को सही आराम मिलेगा और हमारा शुगर लेवल्स डेफिनेटली कम होंगे। फायदे तो कई है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके फायदे हो वो सबके लिए अच्छा हो, नुकसान भी तो कर सकता है। तो क्या है डायबिटीज वाले लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफेक्ट्स। पहला, हाइपरग्लाइसीमिया। इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर बहुत कम भी हो सकता है, और अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो सडनली अगर आपने 14-16 घंटा फास्ट किया, आपको एक हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड हो सकता है, क्योंकि आपका शुगर सडनली एकदम ड्रॉप हो जाएगा। तो आप प्लीज बिना सोचे समझे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। सेकंड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस की कमी, और वो हो सकता है क्योंकि हम सिर्फ 8 या 10 घंटे जब खाना खाएंगे हम वैसी चीजें खाएंगे जिसमें हमारे बॉडी के लिए इनफ विटामिंस मिनरल्स ना हो, और उसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा साइड इफेक्ट, अनकंट्रोल्ड ईटिंग। कभी कभी हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ इतने घंटे खाना है तो चलो सब खा लेते हैं, ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं। ऐसा नहीं होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का वे। हमें जो घंटे हम खाना खा रहे हैं, सोच समझ के अपने फैट्स, प्रोटीन और फाइबर का ध्यान रख के खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो घंटे हम नहीं खाएंगे उनमें भी हमें एनर्जेटिक और तंदुरुस्त फील होना चाहिए। बस दोस्तों, यही था हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली ये वीडियो पे इंटरमिटेंट फास्टिंग कमेंट कीजिए, और हम आपको बताएंगे आपके बॉडी के हिसाब से आप कितने घंटे फास्ट करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। स्टे सेफ एंड हेल्दी।